वी आर गोइंग टू लर्न न्यू पोयम दी सैंडेट इन क्लास वन। बच्चों हम दिस किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? अगर कोई भी चीज़ हमारे बहुत नज़दीक करीब हो तो हम दिस का इस्तेमाल करते हैं, और कोई चीज़ जो हमारे हमारे से बहुत दूर होती तो इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डैट का इस्तेमाल करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन, लिसन एंड रिपीट। इस पोयम को आपको ध्यान से सुनना है। This is near me and that is far। मतलब ये चीज़ है जो आपके बहुत करीब है और कुछ चीज़ें वो जो आपसे बहुत दूर होती है। This is my finger and this is the star। जैसे that is the star। This is near me and that is far। This हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब कोई चीज़ हमारे बहुत करीब होती है। that का इस्तेमाल हम कब यूज़ करते हैं? जो कोई सी चीज़ हमसे बहुत दूर होती है। दिस इज़ माई फिंगर, जैसे आपने अपनी हैंड्स की फिंगर को देखा होगा, वो आपके बहुत करीब होती है। एंड डैट इज़ द स्टार। आपने बच्चों स्टार भी देखा होगा, स्टार तो बहुत दूर होता है। स्टार आपके बहुत स्काई में जो स्टार होता है वो आपसे बहुत दूर होता है। दिस इज़ माई स्पून, आप स्पून का पिक्चर देख सकते हो जिसपे आप मैगी और नूडल्स खाते हो, तो स्पून आप देख सकते हो, स्पून आपके बहुत करीब है। एंड डैट इज़ द मून, आपने मून देखा, मून आपसे बहुत दूर होता है। जब स्काई पे आप मून देखते हो तो वो बहुत दूर होता है। दिस इज़ माई बन एंड डैट इज़ द सन। दिस इज़ माई बन, जो आप बन खाते हो वो आपके बहुत नज़दीक और करीब होता है। एंड डैट इज़ द सन मीन्स जो आपके दूर होता है। डैट इज़ द सन यानी सन तो आपके पास बहुत दूर होता है। अगर आप देखोगे सब सन जब राइस होता है और जब सनराइज होता है, सनसेट होता है, जब सूरज उगता है और डूबता है, तो सन आपके बहुत दूर होता है। व्हेन समथिंग इज नियर वी से दिस, अगर कुछ चीज़ें आपके नज़दीक होती तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? दिस का। दिस इज़ माई बुक, जैसे आपके करीब कौन कौन सी चीज़ें होती है बच्चों? देखो आपका बैग होगा, आपकी बुक्स होंगे, आपका टिफिन होगा और आपका वाटर बॉटल होगा जो आपके बहुत करीब रहता है। आपके आसपास आपका स्कूल डायरी होगा, वो सब आपके करीब होती है। When something is far, we point out that। जैसे कुछ चीज़ें बहुत दूर होती तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? डैट का। जैसे आपका ब्लैक बोर्ड आपसे दूर है, आपकी विंडो और आपके चार्ट्स जो हैं और कबर्ड है, आपका डस्टबिन है, वो आपसे दूर है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? डैट का। फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस एंड डैट। अभी ये टीचर आपको होमवर्क दे रही है जिसमें आपको मम्मी की हेल्प लेनी है, आप डैडी की या ट्यूशन टीचर की भी आप हेल्प सक सकते हो। दिस एंड डैट का इस्तेमाल करना है। अगर कोई चीज़ें आपके नज़दीक है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे बच्चों? दिस का। अगर कोई चीज़ें आपसे बहुत दूर हो तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? डैट का।